इस वक्त जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही हनी सिंह के 3.0 की, और लोगों का कहना है कि भैया इंटरनेशनल विलेजर वाली वाइब आ जाएगी। और भाई क्या ही एल्बम था यार वो, मतलब मजा आ गया था। हनी सिंह का बेस्ट एल्बम कोई है तो वो है इंटरनेशनल विलेजर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ हनी सिंह के कोलैब्स के बारे में, किस किस को फीचर करेंगे, किस किस को नहीं करेंगे, क्या सच है क्या झूठ है, लेट्स टेक आउट। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा रूमर ये आया था कि हनी सिंह है वो दलजीत दोसांझ के साथ भी कोलैब करेंगे 3.0 में, तो ये सच नहीं है क्योंकि दलजीत के ऊपर से अभी तक कोई भी किसी तरीके का रिएक्शन नहीं आया है। दलजीत इंटरनेशनल ही म्यूजिक बना रहे हैं, कोलैब इंडिया में तो कम ही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाली बात तो झूठ है कि दलजीत और हनी सिंह का कोलैब आए। लेकिन मैं भाई दिल से चाहता हूँ कि कोलैब आए, जरूरी है क्योंकि भाई ये दोनों आग लगा सकते हैं। द सेकेंड थिंग कम्स, बादशाह के साथ कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं है। मिलन गावा के साथ हाँ एक गाना है उनका, अभी जो पेरिस वाला आएगा उसके अलावा भी एक गाना और आएगा जो 3.0 के एल्बम में होने वाला है। देखिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हनी सिंह ना थोड़ा सा अलग म्यूजिक बनाने लग गए हैं, अलग रैप होने लग गए हैं जो पहले वाली बात होती थी, लेकिन इस एल्बम में दो डार्क रैप भी हैं। हमने इनके ना कमर्शियल म्यूजिक की साइड बहुत देखी है, लेकिन इस बार कुछ डार्क रैप भी करने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो। आई एम एक्साइटेड। खबरें बहुत जोरों शोरों से हैं कि रफ्तार को फीचर करेंगे हनी सिंह, एंड ये हुआ तो भाई मैं कह रहा हूँ इससे तगड़ा कुछ भी नहीं होगा, ये होगी एक बड़ी जीत म्यूजिक की, क्योंकि भाई हनी सिंह एंड रफ्तार बोथ आर ग्रेट लिरिसिस्ट एंड रैपर, भाई गाना फाड़ हो जाने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग, फॉर दिस एल्बम। आई होप आप लोग भी होंगे। बाकी कमेंट करके बताओ आप किन किन को चाहते हो कि यार ये बंदा भी कोलैब करे। सुनने में आई कि हनी सिंह MC स्क्वेयर के साथ भी कोलैब करेंगे, जिनको आप देख रहे हैं अभी MTV हसल के अंदर, जिनका गाना था रोम रोम। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं आप किसके लिए एक्साइटेड हैं। मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।